गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है रुद्रांश और कुशु। मैंने आपको बताया है रुद्रांश की बड़ी वाली जो बुआ है वो आई हुई है, उनके बच्चे आए हुए हैं छुट्टियों में। तो रुद्रांश की तबीयत अब पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है और बच्चे भी अब फरमाइश करने लगे हैं कि मामी ये बनाओ ये बनाओ, क्योंकि जब तक रुद्रांश की तबीयत ख़राब थी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मतलब हमारे छौंक वगैरह भी नहीं लगता था सब्जी में। तो अब रुद्रांश पहले से काफ़ी बेटर है तो बच्चे भी अब थोड़ा सा फरमाइश करने लगे हैं कि मामी अब बस हम जाने वाले हैं और हमारी पसंद की कुछ चीज़ें हैं जो आप बना दीजिए। तो मैं भी कह रही थी कि हाँ ठीक है मैं बना दूंगी, लेकिन रुद्रांश के सामने जब मैं कुछ भी चीज़ बनाती हूँ तो वो खाने की ज़िद करता है। तो फिर भी मैंने हिम्मत करके मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं अब जाने वाले हैं तो इनके लिए कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे छोले बॉईल हो रहे हैं तो आज मैं काबुली चने जो होते हैं छोले उन्हें बना रही हूँ। तो वो उबाल दिए हैं मैंने और साथ के साथ ही मैं लगा लूँगी आटा। तो छोले और पूरी बनाने का जो प्लान था वो हुआ, क्योंकि कुशु जो है उसी के लिए कह रहा था कि मामी आप सूखे वाले छोले बनाइए, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेवी ना हो उनमें, और पूरी बनाइए। तो ये रुद्रांश की भी पसंद की चीज़ें हैं और उसे भी ये लग रहा था कि मामा मेरे लिए बना रही है, लेकिन रुद्रांश को अभी ये जो हैवी चीज़ें हैं ये देने से डॉक्टर ने मना किया है, क्योंकि अभी उसकी मेडिसिन चल रही है और उसके लिए मैं अलग से मैंने तोरी निकाली हुई है तो तोरी की सब्ज़ी बना दूँगी और मम्मी के लिए भी और अपने लोगों के लिए हम पूरी और छोले बना लेंगे। लेकिन उसे खिलाना बहुत मुश्किल है, वो सोच रहा है कि मम्मा मुझे भी देंगी थोड़ा बहुत तो दे ही देंगी। तो यहाँ पे मैंने पूरी का आटा लगा लिया है और साथ के साथ ही मैं परात को खाली कर दूँगी और इसे वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि आपने पहले भी देखा है मैं कभी परात में आटा नहीं रखती हूँ, साथ के साथ ही उसे खाली करके और वॉश करके रख देती हूँ। और यहाँ पे जो तोरी है वो भी मैंने छील के धो के साफ़ कर ली है, तो वहाँ पे छोले उबल गए हैं, यहाँ पे मैं तोरी कट कर लूँगी, साथ के साथ सब्जी छौंक दूँगी और उसके बाद छोले की सब्जी बना दूँगी। तो फिर दोपहर का जो हमारा लंच है वो कंप्लीट हो जाएगा और बच्चे भी बस अपना एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे कूद रहे हैं। प्रीशा है बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। और जब रुद्रांश की ज़्यादा तबीयत सी ख़राब हो गई थी तो पूजा कुछ दिनों के लिए आरती के पास चली गई थी। आरती मेरी छोटी वाली ननंद है, क्योंकि रुद्रांश की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बच्चे शोर मचाते हैं, उसे बिल्कुल रेस्ट चाहिए था, बिल्कुल पीसफुल जो माहौल होता है वो चाहिए था। तो उस टाइम पे ये लोग चले गए थे और अब जैसे रुद्रांश की थोड़ी तबीयत बेटर हुई है तो आ गए हैं ये बच्चे। और यहाँ पे जो टमाटर है वो भी मैंने धो के साफ़ कर लिया, तो इनको मैं कद्दूकस करूँगी। और ये मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, तो दो हरी मिर्चें जिनको मैं छोले में डालूँगी। तो ये तीखी वाली नहीं है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसे भी मैं इस तरह से बारीक बारीक कट कर लूँगी और फिर जब सब्जी में छौंक लगाऊंगी तो उसमें डाल दूँगी। तो बहुत ही अच्छी लगती हैं ये काबुली छोले में, आप इस तरह डाल के देखिए, जब पीस आते हैं ना मुँह में तो अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज को भी कट कर लिया है, तो दोनों सब्जी के लिए मैं प्याज इस तरह से काट रही हूँ, तो बारीक बारीक काट लूँगी मैं, चॉपर में चॉप नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास दूसरा चॉपर है जिसमें मतलब जब ज़्यादा लोगों के लिए मैं खाना बनाती हूँ तो उसमें मैं चॉप कर लेती हूँ, नहीं तो सीधा ही मैं फिर मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ प्याज टमाटर लहसुन अदरक जो भी मुझे ग्रेवी वाली सब्जी बनानी होती है। तो आज इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं थी, मतलब हल्की लाइट ग्रेवी रखनी थी सब्जी में, तो मैं फिर दोनों सब्जी के लिए मैंने हाथ से ही ये इस तरह से कट करके तैयार कर ली थी। और ये मोटी वाली मिर्च जो मैंने टमाटर के साथ कट करी थी, ये मैं जब सब्जी खरीद के लाई थी तो मैं लेके आई थी, इनकी भी मुझे छौंक लगाना है तो इसमें मुझे प्याज डालनी है और आम भी डाल के इनको छौंक लगाते हैं ना, जब मेथी दाना सौंफ और क्या बोलते हैं थोड़ी सी कलौंजी वगैरह डाल के बहुत टेस्टी लगती हैं, बिल्कुल अचार जैसी फीलिंग आती है। तो रुद्रानिकेत को बहुत पसंद है ये, तो इनमें भी मैं जब छौंक लगाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ही कम मैंने तेल लिया है, एक चम्मच के करीब मैंने तेल लिया है और उसी में प्याज और लहसुन डाल के मैं भून लूँगी और फिर सारे मसाले वगैरह डाल दूँगी, क्योंकि मम्मी और रुद्रांश के लिए बन रही है तो ज़्यादा स्पाइसी मैं इसे नहीं बना रही हूँ। और रुद्रांश भी अब इस तरह की जो सब्ज़ी मैं बनाती हूँ या फिर दाल बनाती हूँ तो खाने से अब नकनकाने लगा है, काफ़ी दिन हो गया है एक्चुअली उसे खाते हुए। अब कहता है मामा जो सबके लिए बनता है वही मुझे दो, और उसे चटपटा खाने का मन करता है, जीभ का जो टेस्ट है थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो फिर भी अभी मैं ये सारी जो स्पाइसी चीज़ें हैं या फिर जो हैवी चीज़ें हैं वो अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि दवाई वगैरह चली रही है, मैंने आपको बताया ही है। पर बच्चा है ना, मन करता है कोई भी चीज़ें बड़ी मुश्किल से खाने देता है, मतलब कहता है कि थोड़ा सा टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ मुझे। तो बस मैं फिर उसको यही कहती हूँ कि बेटा कुछ दिन की बात है, फिर जब दवाई वगैरह बंद हो जाएंगी तो धीरे धीरे आप अपने उसी रूटीन पर आ जाओगे, वही थोड़ा थोड़ा सा खाना पीना शुरू कर दोगे तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी।
और यहाँ पे मैंने ये छोले उबाल के तैयार कर लिए थे, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इनके अंदर। और जब मैंने ये उबलने रखे थे तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा नमक डाल दिया था इसमें, और जो खड़े मसाले हैं उनकी पोटली बना के डाल दी थी, क्योंकि बच्चों के मुंह में आएंगे, साबुत मैंने नहीं डाले हैं। और आज मैंने यहाँ पे जो चाय पत्ती होती है उसका पानी भी मैं यूज़ नहीं करूँगी, मैंने यहाँ पे अनार के ये इस तरह छिलके डाल दिए थे, जिससे देखिए कितना अच्छा कलर आया है बिना चाय पत्ती पोटली में बांधे बिना, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो मैं कभी कभी इस तरह जब अनार घर में होता है तो फिर मैं इस तरह उसके छिलके डाल देती हूँ, तो ऐसा ही बहुत अच्छा कलर आ जाता है, जैसा कि हम चाय पत्ती पोटली में बांध के जब डालते हैं या फिर उसका पानी डालते हैं तो बिल्कुल उसी तरह का कलर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं छोलों में भी छौंक लगाने लगी हूँ, तेल अच्छी तरह से जब गर्म हो गया था तो उसमें मैंने डाल दिया था प्याज और कटा हुआ लहसुन, और जब अच्छी तरह से गोल्डन कलर का हो जाएगा तो तब मैं उसमें डाल दूंगी टमाटर जो मैंने कद्दूकस किया था, हरी मिर्चें जो काट के रखी थी, और सारे मसाले भी मैंने बेसिक मसाले हैं जो मैंने डाल दिए थे। तो मैं साबुत मसाले मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि जब मैंने बॉईल किए थे तो उस टाइम पे वो पोटली बना के डाल दी थी, और बच्चों के मुँह में आएंगे तो फिर मैंने नहीं डाले, क्योंकि बच्चों के जब मुँह में आते हैं तो उनका टेस्ट ख़राब होता है। और अब डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, तो ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। और जैसे जैसे यहाँ पे ये सब्ज़ी बन रही है, वहाँ पे भी तोरी की जो सब्ज़ी है वो बन रही है, ताकि साथ के साथ दोनों सब्ज़ियाँ बन जाएं और मैं बच्चों को और मम्मी को दे सकूँ, क्योंकि लंच का टाइम हो जाता है तो बस फिर रुकना मुश्किल हो जाता है भूख में। और वैसे भी फैमिली के साथ अब बच्चे आए हुए हैं तो हर चीज़ टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, टाइम पे देना। और गर्मी है ना तो बहुत जल्दी भूख लग जाती है। नाश्ता वगैरह तो ऐसा ही हल्का सा ही हमने किया था, तो फिर उसके बाद जब मसाला पक गया था तो मैंने ये बॉईल किए हुए जो छोले हैं वो डाल दिए थे। तो फ्रेंड्स मुझे थोड़े से ऐसे लग रहे थे जैसे कच्चे हों, तो फिर मैंने इनको कुकर में ही शिफ्ट करके 3-4 सीटी लगा दी। तो ये देखिए इस तरह से हमारे छोले जो है बन के तैयार हो गए। बहुत ज़्यादा मैंने ग्रेवी नहीं डाली थी, क्योंकि कुछ को इसी तरह के छोले पसंद है। और मैं फिर सबके लिए छोले ठंडे कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। और वहाँ पे मैंने मम्मी के लिए रोटी भी बना के दे दी है और अपनी कढ़ाई रख दी है पूरी बनाने के लिए, तो सब्जी भी मैंने डाल के रख दी है, तो सबकी सब्जी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि दोनों चीज़ें गर्म हो जाएंगी, फिर छोले भी और सब्जी पूरी भी। और यहाँ पे दही होगी, अचार होगी, और छोले हो गए, और साथ में गर्मा गर्म पूरी। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए और खा लीजिए गर्मा गर्म लंच जो हमने बनाया है आज। तो पूरियाँ भी बस तैयार हो रही हैं, तेल गरम हो गया है, तो मैंने इतने बेल के रख लूँगी 3-4, और साथ के साथ फिर एक बार उतार के दे दूँगी, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं कि मामी कब बनाए, और रुद्राज भी वहाँ वेट कर रहा है कि मम्मा मुझे भी देगी, लेकिन वो गुस्सा है, मैंने उससे मना कर दिया कि बेटा अभी आपको ये चीज़ें नहीं खानी है, तो वो उस जिद कर रहा है कि मम्मा मुझे थोड़े से छोले दे देना, मैं उसी से रोटी खा लूँगा, मुझे तोरी की सब्ज़ी नहीं खानी, पर वो जिद तो कर रहा है। लेकिन फिर मैंने खिला दिया था उसको बहला फुसला के जैसे भी, क्योंकि अभी ये हैवी चीज़ें हैं उसके लिए और डॉक्टर ने मना किया है, पर बच्चा है ना तो देखता है। जब भी मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बना रही थी, पर अब ये बच्चे जाने वाले हैं तो उनकी एक आध फरमाइश तो पूरी करनी ही थी, इसलिए मैंने फिर आज ये बनाया। और खाना बनाने के बाद मैं बच्चों को दूंगी एक सरप्राइज़, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे थे कि मामी कुछ बनाए हमारे लिए केक वगैरह, तो बस मैंने यही बोला है कि मैं ऑर्डर का केक बनाऊंगी। तो जब ऑर्डर का केक बनता रहता है तो वो फिर ध्यान नहीं करते, क्योंकि अब तो केक बन के ही जाते रहते हैं, तो बच्चे ध्यान नहीं करते। तो मैंने उन्हें सरप्राइज़ दिया है कि मैं ऑर्डर का केक तैयार करूँ, जबकि मैं उन्हीं के लिए बनाऊँगी आज पाइनएप्पल पेस्ट्री। आगे आने वाले व्लॉग में आप देखेंगे, तो व्लॉग देखते रहिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बताइए हम क्या गलती कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और जिसकी वजह से ऐसी वो बताइए जिससे आप लोग ज़्यादा पसंद करें, हमें चैनल में क्या सुधार करना है, व्लॉग्स में क्या दिखाना है क्या नहीं, तो प्लीज़ हमें बताइए और अपने कमेंट के ज़रिए, और हमसे जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। तो यहाँ पे गर्मा गर्म खाना तैयार हो गया था और बच्चों के लिए मैं देने चली गई थी, तो प्रीशा वेट ही कर रही थी, आपने देखा ही था, मेरे साथ ही आई थी। और ये है अनिकेत की बड़ी वाली बुआ जी, और ये देखिए प्रीशा को हेलो कर रही है आप लोगों से। और ये कुशु है, मम्मी ने खाना खा ही चुकी थी। कुछ कैसी बन रही है? मैं तो खा रही हूँ। यम बोल दे। यम्मी। यम्मी यम्मी। इनको माँ जी का अपना आम चल रहा है। हमारा तो
सिंपल खाना है, ठीक है। नमक ला दो, नमक और रोटी। नमक तो ज्यादा है, ये तो और यहाँ पे सभी ने खाना खा लिया है। मैं पूरी देने आई थी तो रुद्रांश मेरे पीछे पीछे आया है कि माँ जी से कहे माँ जी मुझे भी कुछ खाना है। तो मैं बस यही कह रही थी कि बेटा आपको अपना वही खाना खाना है, चलो। तो फिर बस मैंने बहला फुसला के उसे वही खाना खिला दिया था। और खाना खिलाने के बाद मैं शुरू हो गई थी अपना सरप्राइज़ पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज बना के तैयार कर लिया था, इसको 3 लेयर मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी मैं बना रही थी और बच्चों को सरप्राइज़ देने के लिए। तो यहाँ पे सब बस अब मैं इनको असेंबल करूँगी और शुगर सिरप से इसको कोट कर लेंगे ताकि ये मॉइस्ट बनी रहे और इस अच्छा सॉफ्ट इसका जो टेक्सचर है वो हो। तो शुगर सिरप मैंने लगा लिया था, उसके बाद थोड़ा सा लगा दूंगी पाइनएप्पल क्रश ताकि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए हमारी जो पाइनएप्पल पेस्ट्री हम बना रहे हैं। और उसके बाद मैं लगा दूंगी क्रीम, और क्रीम को असेंबल करने के बाद तीनों लेयर को इसी तरह से मैं असेंबल कर लूंगी जिस तरह से मैं आपको असेंबल करके इस टाइम पर दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जो पेस्ट्री थी मैंने असेंबल कर ली थी, और यहाँ पे जो ये पाइनएप्पल क्रश होता है मैंने उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है ताकि जो इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए और केक पे बिल्कुल ही इस तरह से फैल जाए जैसे मैं फैला रही हूँ, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी आ जाए इसकी। और चारों तरफ मैं उसे फैला दूँगी और जो थोड़ा थोड़ा जो ड्रॉप है वो भी डाल दूँगी। इससे भी पाइनएप्पल पेस्ट्री बहुत ही अच्छी लगती है और एकदम मार्केट वाला लुक पेस्ट्री के अंदर आता है। और थोड़ा थोड़ा मैं ड्रॉप गिरा दूँगी चारों तरफ, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सुंदर लग रही थी फ्रेंड्स और बहुत ही टेस्टी भी बनी थी। जब मैंने बाद में बच्चों से पूछा, उसकी मम्मा से पूछा, यानी कि अपने ननन से पूछा, और अब मैं इसे सेट करने के लिए रख दूँगी फ्रिज में 10-15 मिनट के लिए। और सेट करने के बाद ये देखिए मैंने निकाल लिया है और पीसीस कट कर दिए हैं और अब मैं बना लूँगी इस पर थोड़ा सा डिज़ाइन। आपको जो डिज़ाइन पसंद हो आप यहाँ पे बना सकते हैं। और अब मैं इसे थोड़ा सा गार्निश कर दूँगी कलरफुल स्प्रिंकल से। आप चेरी लगा सकते हैं या फिर आप पाइनएप्पल भी लगा सकते हैं, उसका पीस काट के लगा सकते हैं जो फ्रेश पाइनएप्पल आता है, पर मेरे पास चेरी ख़त्म हो रही थी तो मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी रख दूँगी इसके ऊपर और ये कलरफुल स्प्रिंकल जो है ये मैं डाल दूँगी। और बहुत ही अच्छा, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। तो ये मैंने अपने कान्हा जी के लिए पहला जो पीस था वो निकाल दिया था। और ये देखिए सब के लिए मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ पेस्ट्री। तो बच्चों को लगा कि मामी किसको दे रही है, मैंने कहा ऑर्डर के लिए जा रहे हैं, अभी मैंने उनको सरप्राइज़ में ही रखा मतलब। और जब उनके हाथ में फाइनली दे दिया, ये देखिए खुशबू को केक खा रहा बच्ची। इसमें क्या मम्मी खिलाओगी और मम्मी सुनेगी? विशु आप भी ले लो, तू भी खाएगी। ये ले ले, चाहिए ले, नानी का है। नानी को बुला के ला। नानी, ए नानी जल्दी है ले। नानी को बुला। एक बार देखा ना, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। नानी, अरे मैं तो कर लूंगी, एक बार वीडियो बना वीडियो। एक्सीडेंट सफल हुआ। अरे नानी, नानी का फ्रिज है। हाँ तो ये खाओ, ये नानी आ गई जी। हाँ कर दो, चलो माँ जी बैठो जल्दी। माँ जी के उसमें से खा ले तू एक ना। क्यों खाऊ मैं? कैसा है पाइनएप्पल पेस्ट्री? कैसा लगा ऑर्डर का केक? बता दे जल्दी। हाउ वाज? ये नहीं कह रहा था मैंने ऑर्डर का है, करके कर रही थी मैंने, बना रही थी ऑर्डर कराया। कैसा है, कैसा है प्रीशा? सही
कैसा है, कैसा है, कैसा है मम्मी? मैं तो बस।